Namaste students, this is question number 1st of exercise 13.3. The magnetic sphere of radius 4.2 cm is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 cm. Find the height of the cylinder. बेटा देखिए आप क्वेश्चन में एक मैटेरियल स्फीयर गिवन है जिसका रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर और उसको मेल्ट करना मतलब उसको पिघला के क्या करना उसको अदर शेप दूसरी शेप में चेंज करना है किस शेप में चेंज करना है रिकास्ट करना है आपको सिलेंड्रिकल शेप के अंदर ओके मींस स्फीयर का ओकेशन बदलना है सिलेंडर के अंदर बदलना है जिसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर ओके फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर और आपको क्या करनी है सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है बेटा देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए किसी एक शेप को दूसरी शेप के अंदर कन्वर्ट करना हो आपको तो उसके अंदर क्या होगा जो दोनों शेप्स होगी उन दोनों का वॉल्यूम क्या होगा हमेशा इक्वल होगा ओके अब देखिए हमारे पास शेप कौन कौन सी गिवन है स्फीयर है और सिलेंडर है तो इन दोनों का वॉल्यूम जो आपस में क्या होगा इक्वल होगा ओके तो देखिए गिवन क्या है हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है हमें 4.2 सेंटीमीटर And radius of cylinder कितना given है हमें convert करना है जिसमें जिसकी radius कितनी हो 6 सेंटीमीटर अब देखिए आपके पास बेटा एक sphere था ये आपके पास sphere है और इसको convert करना है किसके अंदर आपको cylindrical shape के अंदर okay अब convert करना है तो क्या होगा इन दोनों का volume जो है वो क्या होगा equal होगा means volume of sphere equal to volume of cylinder okay बेटा देखिए volume of sphere क्या होता है हमारे पास 4/3 πr³ okay और volume of cylinder formula होता है आपके पास πr²h okay अब देखिए आपको क्या करनी है pi की और r की value रखनी है sphere की और पाई की रेडियस और एच की वैल्यू रखनी देखिए बेटा पाई से तो पाई आप कैंसिल पहले कैंसिल आउट कर दो अब वैल्यूज पुट कर दीजिए देखिए 4/3 आर की वैल्यू कितनी है आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर 4.2 बेटा देखो रिमूव करोगे पॉइंट तो कितना आ जाएगा 10 और 3 टाइम्स आपके पास क्यूब है इसलिए 3 टाइम्स लिखना है आपको ओके इक्वल टू में कितना है बेटा हमारे पास आर स्क्वायर सिलेंडर का रेडियस कितना है हमारे पास 6 तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 into h h हमें क्या करना है फाइंड करना है बेटा आप देखिए ये जो नंबर है ये हमारे पास h के साथ किस में मल्टीप्लिकेशन में तो ये दोनों नंबर कहां जाएंगे ट्रांसफर करेंगे इस तरफ तो डिवाइड में आ जाएंगे ओके तो देखिए ये हमारे पास कितना था 4/3 ये हमारे पास 4.2 4.2 नहीं है 42/10 क्योंकि हमने डेसिमल रिमूव कर दिया ओके 42/10 42/10 और ये दोनों नंबर इस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे 1/6 और 1/6 डिवाइड में आ जाएंगे नीचे ओके हाइट फाइंड करनी है हमें अब बेटा देखिए 3 से इसको कट कर दीजिए 3 14 जा कितना होता है 42 6 से इसको कट कर दीजिए 6 7 जा कितना होता है 42 6 से इसको कट कर दीजिए 6 7 जा कितना होता है 42 ओके अब देखिए बेटा और कुछ कट हो रहा है क्या देखो नीचे हमारे पास जीरोज है तो जीरोज को रहने दीजिए आप ओके अब देखिए 4 14 कितना हो गया हमारे पास 4 14 56 हो जाएगा हमारे पास 56 और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 7 7 49 और अपॉन में कितना हमारे पास 30,000 ओके इक्वल टू एच बेटा मल्टीप्लाई कीजिए 56 को 49 से मल्टीप्लाई करना है तो 56 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो अपन 50 - 1 कर सकते हैं ये कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा और -56 कितना हो जाएगा 2744 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2744 ओके मल्टीप्लाई करने के बाद तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा हाइट आएगी हमारे पास h इक्वल टू 2774 और अपॉन में क्या है हमारे पास 1000 बेटा देखिए हमारे पास कितने जीरोज है 3 जीरोज है तो डेसिमल कितने प्लेस बैक आएगा 3 प्लेस बैक मींस हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2.774 सेंटीमीटर ओके दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर ओके ऑल ऑफ यू बेटा देखिए इसके अंदर वो क्या करना था एक मेटलिक स्फीयर गिवन था हमें जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर गिवन थी उसको मेल्ट करके पिघला कर हमें अदर शेप में चेंज करना है किसमें सिलेंडर के अंदर जिसकी रेडियस कितनी हो 6 सेंटीमीटर और हमें सिलेंडर की क्या पूछी है हाइट पूछी गई है
तो बेटा देखिए, जब भी अपन किसी शेप को कन्वर्ट करते हैं एक शेप से दूसरी शेप के अंदर, तो उन केसेस के अंदर क्या होते हैं, दोनों शेप्स के वॉल्यूम जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो देखिए रेडियस में 4.2 गिवन था स्फीयर का और सिलेंडर का 6 सेंटीमीटर गिवन था, दोनों के वॉल्यूम हमने क्या कर दिए, इक्वल टू पे रख दिए, दोनों के वॉल्यूम आपस में क्या होंगे, इक्वल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब बेटा क्या करना है आपको, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, आपको आर और एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और ट्रांसफर करके आपको क्या करना है, हाइट ऑफ सिलेंडर एच फाइंड करना है। ओके ऑल ऑफ यू,